रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटिल एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय के प्रमुख कपिल मोरेश्वर पाटिल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हितग्राहियों को राशि का हस्तांतरण किया। भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा संभाग के 600 पंचायतों को कंप्यूटर हेतु 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु किश्त की राशि का हस्तांतरण भी किया गया, जिसमें कुल 15,714 हितग्राहियों को कुल राशि 49,21,00,000 रुपए हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे प्रदाय किया गया। बात अटके है कि जी परान दे के काम करबे, जनता के सेवा करबे, पसीना बहाबे, कोई शॉर्टकट मत करबे, कोई शॉर्टकट मत करबे, मेहनत करके काम करबे संगी, मेहनत करके काम करबे, जनता के आशीर्वाद पक्का मिलते पक्का। मैं परमान होगा, परमानो बात के परमानो, जनता के आशीर्वाद बिन पैसा के मिलते, याद रखबे बातला, बिन पैसा के मिलते। अब एक सेती गांव गांव से आए संगी संगवारी हो, मोर पंचायती राज के महू जिला पंचायत सदस्य आओ भैया, अभी ले आए चो मोला भी हटाए नहीं है तक, तो महू जिला पंचायत के सदस्य आओ और जनपद के सदस्य संगी संगवारी आए हैं, मोर ग्राम पंचायत के सबे सरपंच और उप सरपंच संगी आए हैं, सबे संगी संगवारी मल्ला, मैं निवेदन पूर्वक एक बात ना कहना चाहता हूँ कि हम सब के पंचायत के बीच आज महापंचायत में हम सब बैठे हैं और हमार महापंचायत में बम्बई के रहैया, बम्बई के सांसद कपिल मोरेश्वर जी दिल्ली अपन गांव के सरपंच बने रही से पूछ ले भैया, सबसे पहली का बने तो सरपंच, ओखर बाद जनपद के सदस्य बनीस, फिर जनपद में सभापति बनीस, फिर जनपद में अध्यक्ष बनीस, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनीस, पूरा हम चुन छांट के बुलाए हैं नोला, एक को ठल नहीं छोड़े है, पंच सरपंच जनपद जिला सब कुछ रहे के बाद आज केंद्र के सरकार में पंचायती राज के मंत्री बने हैं। मैं संगी संगवारी तौर से निवेदन करता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के भुइया में आए हैं, एक बार तय अपन जगह में खड़ा होकर के माननीय मंत्री महोदय के स्वागत कर दे भैया, अभिनंदन कर दे, मैं तौर से निवेदन पूर्वक के बात न कहना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के भुइया में आए हमारे नेता हमारे मुखिया जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दे, याद करे छत्तीसगढ़ यह सब ले बढ़िया बात ला, याद करें माननीय मंत्री जी। मैं देख रहा था हमारी बहन जब बोलती है जोरदार तालियों से स्वागत करो, तो मैं शर्मा जी को बोल रहा था कि ताली नहीं बज रही। शर्मा जी मुझे किस्सा याद आया, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था और ऐसे ही प्रोग्राम लेट हो गया, हमारे अभी के विद्यमान जो मुख्यमंत्री थे उनके हाथों से एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और मैं प्रोग्राम का अध्यक्ष था, तो उनको आने में देरी हो गई, प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ, भाषण शुरू हो गया, हमारे एक विधायक जी ने भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि अभी प्रोग्राम बहुत लेट हो गया है, मुझे भूख लगी और आप लोगों को भी भूख लगी होगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैं बोला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बाद में उनका भाषण समाप्त हो गया, फिर घड़ी देखी तो विधायक जी ने आधा घंटा भाषण दिया, तो मेरा आखिरी भाषण था, मैंने कहा अच्छा हुआ विधायक जी खाना खा के नहीं आए, नहीं तो हमारा क्या हो जाता। अभी मैं भी खाना खा के नहीं आया, आप भी खाना खा के नहीं आए, आपके और खाने के बीच में कितना देर रुकना है यह भी मुझे सोचना है। मैं सबसे पहले तो शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने सारे छत्तीसगढ़ के हमारे सरपंच उप सरपंच सभी साथी को एक मंच पर लाकर सही मायने में विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ के काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का काम आपने किया,
इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। फिर भी हमें जब घर से बाहर जाना है तो एक चाबी के भरोसे कई दिनों तक हम घर को वो चाबी के भरोसे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अभी आप गांव के सरपंच हो, सरपंच भी गांव से बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप वो गांव की चाबी हो,